तो आज पढ़ रहे हैं हम लोग मदर्स डे, इसको लिखा है जेबी प्रिस्टली ने। द फॉलोइंग प्ले इज अ ह्यूमरस पोर्ट्रेयल ऑफ द स्टेटस ऑफ अ मदर इन अ फैमिली। एक प्ले है यहाँ पर, यह प्ले में दिखाया गया है कि एक माँ का क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है एक माँ का एक फैमिली में, और काफ़ी मज़ेदार मजाकिया रूप में दिखाया गया है। लेट्स रीड ऑन टू सी हाउ मिसिस पियर्सन्स फैमिली रिएक्ट्स व्हेन शी ट्राइज टू स्टैंड अप फॉर हर ओन राइट्स। तो चलिए देखते हैं कि बोला गया है कि मिसिस पियर्सन्स का फैमिली कैसे रिएक्ट करता है जब वो अपने अधिकार के लिए खड़ी होती है। तो ठीक है, ये औरत का नाम याद कर लो, मिसिस पियर्सन, इनका बारे में कहानी है। कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर कुछ। पहला कैरेक्टर है मिस एनी पियर्सन, यही है मेन पात्र इस कहानी का। दूसरा है जॉर्ज पियर्सन, ये उनके पति है, एनी पियर्सन के पति जॉर्ज पियर्सन। और डॉरिस पियर्सन, ये उनकी बेटी है। और सिरिल पियर्सन, ये उनका एक बेटा है। और मिसेस फिजरेल्ड, ये एक नेबर है, पड़ोसी है उनका। द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस इन अ लंडन सबर्ब। एक लंडन का साइड का इलाका में ये एक्शन हो रहा है, लिविंग रूम में हो रहा है पियर्सन का घर में। सीन कैसा है देख लेते हैं। टाइम लिखा हुआ है द प्रेजेंट, तो टाइम क्या है, प्रेजेंट का टाइम है। और सीन है ऐसा, द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स फैमिली, उनका लिविंग रूम में सीन हो रहा है। आफ्टरनून का वक्त है। इट इज़ कम्फर्टेबली फर्निश्ड, काफ़ी अच्छा से सजा धजा रूम है। मच लिव्ड इन रूम इन अ स्मॉल सबर्ब सेमी डिटैच्ड विला, एक विला है सेमी डिटैच्ड, मतलब दो टाइप का घर जुड़ा हुआ है। इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज, और घर में ऐसा है कि एक दरवाजे से ही सब काम हो जाएगा। बट इट इज़ बेटर विथ टू, लेकिन दो दरवाजे से ज़्यादा अच्छा घर में काम होता है। वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर, एक दरवाजा है कि लेफ्ट के तरफ है, वो फ्रंट डोर के पास ले जाएगा। एंड द अदर इन द राइट वॉल लीडिंग टू द किचन, एक दरवाजा राइट वॉल में है, वो किचन की तरफ ले जाएगा। एंड द बैक डोर, वो बैक डोर के पास भी ले जाएगा। देयर कैन बी अ मुस्लिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल में एक विंडो है जो मलबल के पर्दे से खिड़की है उस पर टंगा हुआ है। एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल, और राइट वॉल में भी एक खिड़की है, वहाँ पर मुस्लिन का पर्दा लगा हुआ है। द फायर प्लेस इज एज्यूम टू बी इन द फोर्थ वॉल, और फायर प्लेस जो है जहाँ पर आग जलता है वो फोर्थ वॉल में है। देयर इज अ सेट्टी अप राइट, एन आर्म चेयर डाउन लेफ्ट। सेट्टी मतलब सोफा, हाँ, एक सोफा है और एक आर्म चेयर है और कुछ कुछ सामान है राइट में। और स्मॉल टेबल विथ टू चेयर्स ऑन आइदर साइड ऑफ इट स्टैंड्स एट द सेंटर, एक टेबल है और दोनों टेबल के दोनों साइड में चेयर लगा हुआ, बीच में रखा हुआ है, ठीक है, लिविंग रूम में ऐसा सीन है। तो व्हेन द कर्टेन राइजेस, जब पर्दा उठता है, इट इज एन आफ्टरनून इन द अर्ली ऑटम, ऑटम का सीजन चल रहा है, मतलब सेप्टेम्बर से लेकर नवम्बर तक का महीना। एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट, और स्टेज पूरा लाइट से चमक रहा है, ये प्ले है स्टेज पे हो रहा है। मिसिस पियर्सन एट राइट, मिसिस पियर्सन राइट में बैठी हुई है। एंड मिसिस फिजरेल्ड एट लेफ्ट, वो लेफ्ट में बैठी हुई है, उनकी पड़ोसी। आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर एट द स्मॉल टेबल, वो बीच में जो टेबल था दोनों ही चेयर में एक दूसरे के विपरीत बैठी हुई है। ऑन विच आर टू टी कप्स एंड सॉसर्स, और टेबल पर दो ठो चाय का कप रखा हुआ है, सॉसर रखा गया है। एंड कार्ड्स, और ताश का पत्ता रखा गया है। विथ विच मिसिस फिजरेल्ड हैज़ बीन टेलिंग मिसिस पियर्सन फॉर्च्यून, और वो कार्ड से मिसिस फिजरेल्ड क्या कर रही है, पियर्सन का किस्मत बता रही है कि आगे तुम्हारा ये होने वाला है। मिसिस पियर्सन इज अ प्लीजेंट बट वरीड लुकिंग वुमेन इन हर फोर्टीज, तो मिसिस पियर्सन के बारे में दो लाइन कहा गया है यहाँ पर। वो एक काफ़ी खुश मिजाज है, लेकिन थोड़ा टेंशन में रहती है वो, और उसका उनका उम्र फोर्टीज में है, मतलब 40 से लेकर 49 का बीच में। मिसिस फिजरेल्ड इज ओल्डर, और मिसिस फिजरेल्ड थोड़ी उम्र में ज़्यादा है उनसे, हैवियर, थोड़ी भारी भरकम भी है। एंड अ स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी, उनका जो बात करने का तरीका है, पर्सनैलिटी है, वो काफ़ी खतरनाक टाइप का है, ठीक है, डेंजर टाइप का औरत है वो। सी इज स्मोकिंग, और वो स्मोकिंग भी कर रही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस टू शुड हैव शार्पली कॉन्ट्रास्ट, और ये प्ले को अच्छे से होने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों का कैरेक्टर जो हो काफ़ी, आवाज़ जो हो काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग हो, एक ठो का आवाज़ दबदबा होना चाहिए, एक ठो का आवाज़ थोड़ा नम्र होना चाहिए। तो मिसिस पियर्सन स्पीकिंग इन अ लाइट फ्लरिड सॉर्ट ऑफ टोन, मिसिस पियर्सन बात करती है काफ़ी हल्के स्वर में, ठीक है, और हिचकिचा के बात करती है। विथ अ टच ऑफ सब अर्बन कोकनी परहैप्स, तो कोकनी एक जगह का भाषा टाइप है ये, ठीक है, उस टाइप में बात करती है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये।
एंड फिजरेल्ड विद अ डीप वॉइस रैदर आयरिश परहैप्स। और फिजरेल्ड का आवाज़ काफ़ी गहरा है, डीप है, ठीक है, भारी है। अब कहानी शुरू होता है। मिसिस फिजरेल्ड बोलती है, कलेक्टिंग ऑफ द कार्ड्स, कार्ड्स को इकट्ठा करते हुए बोलती है, एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू, बोला कि लो यही हम बोल सकते हैं तुम्हारे बारे में मिसिस पियर्सन, कुड बी अ गुड फॉर्चून, कुड बी अ बैड वन, बोलते हैं कि आपका किस्मत हो सकता है अच्छा हो सकता है बुरा हो, ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है, मेक अप योर माइंड, आप डिसीजन ले लीजिए, ठान लीजिए, एंड देयर इट इज़, और देखिए आगे क्या होता है। मिसिस फिजरेल्ड बोलती है मिसिस पियर्सन को, मिसिस फिजरेल्ड कौन है, हाँ नेबर है, तो पियर्सन बोलती है, यस थैंक यू मिसिस फिजरेल्ड, आई एम मच ऑब्लाइज्ड, बोलता है कि हाँ धन्यवाद, मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, आई एम श्योर इट्स वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्च्यून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, बोलता है कि मेरा तो किस्मत बहुत अच्छा है कि एक ऐसा किस्मत बताने वाला मेरा ठीक बगल में रहता है, मेरे पड़ोसी के रूप में। डिड यू लर्न डैट आउट ईस्ट टू, बोला कि क्या आपने ये जब आप ईस्ट में थी तब आपने सीखा ये सब चीज़। तो आप जैसा कि फोटो में देख रहे हैं, ये औरत है मिसिस पियर्सन, और जो ऐसे चाय पी रही है वो फिजरेल्ड है। चेहरा देख के लग रहा है काफ़ी टेंशन में है और ये काफ़ी कॉन्फिडेंस से भरी हुई है। तो मिसिस फिजरेल्ड बोलती है आई डिड, बोला कि हाँ हाँ ये सब भी मैंने, ये जो भविष्य बताने का जो गुण है ये मैंने सीखा था ईस्ट में, 12 ईयर्स आई हैड ऑफ इट, हम वहाँ पर 12 साल रहे थे विथ माई ओल्ड मैन, जब मेरे पति राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, ये एक आर्मी का एक पद है, बोलते कि मेरे पति का पद भी बढ़ गया ईस्ट में रहते रहते, ही लर्नड अ लॉट, वो काफ़ी चीज़ सीखे, अपना पति के बारे में बोल रही है कि वो भी बहुत चीज़ सीखे, एंड आई लर्नड अ लॉट मोर, और हम भी बहुत चीज़ सीखे, और बहुत चीज़ में से एक चीज़ क्या है, फॉर्च्यून बताना, ठीक है। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ, तो पूछती है मिसिस फिजरेल्ड पूछती है कि मिसिस पियर्सन से कि अब तुम क्या डिसीजन लोगी। मिसिस पियर्सन डियर पुट योर फुट डाउन, पुट योर फुट डाउन एक कहावत है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि अब आप अपना दमखम दिखाइए वंस एंड फॉर ऑल, मतलब कि एक बार दम दिखाइए और हमेशा के लिए आपका पोजिशन सुधर जाएगा आपका फैमिली में, एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली, मतलब कि अपने हाउस का महारानी बन जाइए और फैमिली का बॉस बन जाइए आप। तो पियर्सन बोलती है स्माइलिंग अपोलोजेटिकली, हंसते हुए बोलती है मुस्कुराते हुए, डैट्स इजियर सेड देन डन, बोलता है कि ये बोलने में बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल, बिसाइड्स आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम, और इसके अलावा हम अपने परिवार से काफ़ी प्यार करते हैं, इफ़ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश, भले ही वो सेल्फिश हो लेकिन हम प्यार करते हैं, दे डोंट मीन टू बी, लेकिन वो लोग उतने भी बुरे नहीं हैं। तो फिजरेल्ड बोलती है कटिंग इन, मे बी नॉट, बोलते हो सकते वो बुरे ना हो, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली, ये उनके लिए अच्छा होगा कि वो जान ले कि तुमको कैसे ट्रीट करना चाहिए फैमिली में। तो पियर्सन बोलती है यस आई सपोज्ड इन अ वे इट वुड इन अ वे, बोलता है कि हाँ हाँ वो तो अच्छा होता ही। तो फिजरेल्ड बोलती है नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, मतलब इसमें तो कोई शक का बात नहीं है, हु इज़ द बेटर फॉर बींग स्पॉइल्ड ग्रोन मैन लैड और गर्ल, बोलते हैं कि इतने बुरा होकर किसका फ़ायदा हो रहा है, पति का फ़ायदा हो रहा है कि बच्चे का फ़ायदा हो रहा है कि लड़की का फ़ायदा हो रहा है, नो बॉडी, किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा है बुरा बनकर तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार कर। यू थिंक इट डज देम गुड वेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम, लेकिन तुम सोचती हो कि तुम दिन भर उनके पीछे पीछे दौड़ते रहती हो उनका ज़रूरत पूरा करने के लिए, तो तुमको लगता है क्या उससे उनका भला हो रहा है, तुम उनका टेक देयर ऑर्डर्स ऑर्डर लेती हो एज इफ़ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस, ऐसा लगता है कि तुम घर की नौकरानी हो, स्टे एट होम एवरी नाइट वाइल दे गो आउट इन्जॉइंग देम सेल्फ, तुम घर में रहती हो जबकि बाकी लोग बाहर जाके इन्जॉय करते हैं, तो क्या ये सब करके तुम फैमिली का भला कर रही हो, नेवर इन ऑल योर लाइफ, ऐसा जिंदगी में नहीं होगा, इट्स द रूइन ऑफ देम एज वेल एज यू, ये तो बर्बादी है उनका भी और तुम्हारा भी, हस्बैंड सन्स डॉटर्स शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स एंड मदर्स, लाइक पति हो या फिर बेटा हो या फिर बेटी हो, सबको पत्नी का या फिर माँ का ध्यान रखना चाहिए, नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स और ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट, ना कि उनको ऑर्डर देना चाहिए और धूल के समान ट्रीट करना चाहिए, एंड डोंट टेल मी यू डोंट वॉन्ट वट यू डोंट नो वाट आई मीन, और मुझसे ये मत कहना है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी, क्योंकि मुझे पता है तुमने मुझे जितना बताया है उससे ज़्यादा मुझे पता है तुम्हारे फैमिली के बारे में।
तो मिसिस पियर्सन बोलती है, शक में थोड़ा बोलती है, आई केप्ट ड्रॉपिंग अ हिंट, बोलता है कि हाँ हाँ हम घर में थोड़ा हिंट देते हैं कि मुझे भी थोड़ा इज्जत दो। तो फिजरल बोलती है, हिंट, बोलता है कि ये हिंट देने से काम नहीं चलेगा, इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स, हिंट से बढ़कर भी तुम्हारे फैमिली को कुछ चाहिए मिसिस पियर्सन। तो मिसिस पियर्सन बोलती है फिर से, आई सपोज इट इज, बोलता है कि हाँ सही तो बोला, बट आई डू हेट एनी अनप्लीजेंटनेस, बोला कि लेकिन मुझे घर में बवाल पसंद नहीं है, एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम शुरू कहाँ से करें, कैसे हम अपने फैमिली पर दबदबा बनाएं। आई कीप मेकिंग अप माइंड टू हैव इट आउट व्हेन देम विद देम, बट समहाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन, बोला कि हम सोच लेते हैं कि आज मुझे करना है ये सब काम, लेकिन हम शुरू नहीं कर पाते हैं। और तभी सी ग्लैंसेस एट हर वॉच और एट अ क्लॉक, वो अपना घड़ी देखती है और बोलती है, ओह गुड ग्रेशियस, बोला ये है भगवान, लुक एट द टाइम, समय देखो ज़रा, नथिंग रेडी, कुछ भी तैयार नहीं हुआ है अभी तक, एंड दे ऑल बी होम एनी मिनट, और किसी भी समय वो लोग घर आ रहे होंगे, वो लोग कौन, पति और बच्चे लोग, एंड प्रोबेबली ऑल इन अ हरी टू गो आउट अगेन, और हो सकता है कि सब जल्दबाजी में हो कि फिर से वापस जाना हो। एंड सी इज़ अबाउट टू राइज, और वो खड़े ही होने वाली होती है मिसिस पियर्सन, तो मिसिस फिजरल रीचेस आउट अक्रॉस द टेबल, वो टेबल के उस पार से होकर पुल्स हर डाउन, और उसको बैठा देती है, अरे बैठो बैठो उठना नहीं है। तो फिजरल बैठा के बोलती है, लेट देम वेट और लुक आफ्टर देम सेल्फ फॉर वंस, बोले कि उनको इंतजार करने दो और उनका अपना जरूरत खुद पूरा करने दो, दिस इज़ वेयर योर फूड गोज डाउन, और यही तुम्हारा शुरू होगा दबदबापन बनाना, स्टार्ट नाउ, अभी से शुरू करो। सी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वन सी हैज जस्ट फिनिश्ड, तो एक सिगरेट तो वो शुरू में फूकना शुरू की, अब वो ख़त्म हो गया, उसी सिगरेट से और एक सिगरेट जला ली, ठीक है। और मिसिस पियर्सन बोलती है एम्बैरेस्ड, और शर्मा के बोलती है, मिसिस फिजरल्ड आई नो यू मीन वेल, लेकिन मुझे पता है कि आप मेरे बारे में अच्छे सोचती है, इनफैक्ट आई अग्री विथ यू, और हम आपके साथ सहमत भी रखते हैं, बट आई जस्ट कांट, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकेंगे, एंड इट्स नो यूज़ यू ट्राई टू मेक मी एंड इट्स नो यूज़ यू ट्राइंग टू मेक इट, और आप मुझे ऐसा बदलने का भी कोशिश ना करें, क्योंकि कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। इफ़ आई प्रोमिस यू आई वुड रियली हैव इट आउट विद देम, आई नो इफ आई प्रोमिस यू आई वुड रियली हैव इट आउट विद देम आई नो आई वुडंट बी एबल टू कीप माई प्रोमिस, बोलता है कि अगर हम आपसे प्रोमिस भी कर लें कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन हम अपना प्रोमिस रख नहीं पाएंगे आपके साथ। तो मिसिस फिजरल बोलती है, देन लेट मी डू इट, बोलता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं कर पाओगे तो मुझे करने दो, क्या करने दो, तुम्हारा स्तर बढ़ाने दो फैमिली में दबदबापन। तो मिसिस पियर्सन बोलती है फ्लस्टर्ड होकर, मतलब बेचैन होकर बोलती है, ओ नो थैंक यू वेरी मच, बोलता है कि नहीं नहीं आप मत कीजिए कुछ भी मिसिस फिजरल्ड, बट डैट वुडंट डू एट ऑल, बोलता है कि आपका कुछ बोलने से कुछ काम होने वाला नहीं है, इट वुडंट पॉसिबली बी समबडी एल्स, इट कूडेंट पॉसिबली बी समबडी एल्स, दे वुड रिसेंट इट एट वंस एंड वुडंट लिसन, बोलता है कि कोई और उनसे कुछ भी बोले तो वो लोग सुनेंगे नहीं और तुरंत ही विरोध करने लगेंगे, एंड आई रियली कुड नॉट ब्लेम देम, और फिर हम उनका दोष भी नहीं दे पाएंगे, आई नो आई आउट टू डू इट बट यू सी हाउ इट इज़, लेकिन मुझे पता है कि आप चाहती है ऐसा करना, लेकिन आप ही देखिए घर का हालत कैसा है, आप ऐसा कुछ भी ना करें। सी लुक्स अपोलोजिटिकली अक्रॉस द टेबल स्माइलिंग रैदर मिजरेबली, और काफ़ी दुखी भाव से वो हंसती है, लाचारी अपना लाचारीपन का हंसी दिखाती है उनको मिसिस फिजरल्ड को। तो मिसिस फिजरल्ड काफ़ी कूल होकर बोलती है, यू हैवन गॉट द आइडिया, अरे तुमने मेरा बात समझा नहीं ठीक से। तो पियर्सन बोलती है बीवाइल्डर्ड, हक्का बक्का होकर बोलती है, ओ आई एम सॉरी, बोलता है कि ओ आपने क्या कहा फिर, आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट, मुझे लगा कि आपने कहा कि आप कुछ बोलेंगे मेरे घर वालों को कि मेरा स्तर बढ़े। तो मिसिस फिजरल्ड बोलती है, आई डिड, बोला कि मेरा कहने का मतलब यही था, बट नॉट एज मी एज यू, बोला कि हम वो काम नहीं करेंगे, हम आपके रूप में काम करेंगे वो। तो पियर्सन बोलती है, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रही हैं, यू कूडेंट बी मी, आप तो मेरे जैसे नहीं हो सकती हैं। तो मिसिस फिजरल्ड फिर काफ़ी रिलैक्स होकर बोलती है, वी चेंज प्लेसेस, बोला कि क्यों ना हम अपना प्लेस बदल लेंगे, और रियली बॉडीज, या फिर हम लोग अपना शरीर बदल लेते हैं, यू लुक लाइक मी, तुम मेरे जैसा दिखना, आई लुक लाइक यू, हम तुम्हारे जैसे दिखेंगे। तो पियर्सन बोलती है, बट दैट्स इम्पॉसिबल, बोला कि ये क्या संभव है, ये तो असंभव है। तो फिजरल्ड बोलती है, हाउ डू यू नो
एवर ट्राइड इट? बोले कि तुम्हें कैसे पता ये इम्पॉसिबल है, तुमने कभी कोशिश किया क्या? तो मिस पियर्सन बोलती है नो ऑफकोर्स नॉट। बोले कि ना ना मैंने, हम कैसे कोशिश करेंगे शरीर बदलने का। तो मिसेस फिजराल्ड बोलती है फिर रिलैक्स होकर, आई हैव, लेकिन मैंने कोशिश किया है, नॉट फॉर सम टाइम, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों में नहीं किया है, बट इट स्टिल आउट टू वर्क, लेकिन अभी भी वो टेक्निक काम करना चाहिए। वॉन्ट लास्ट लॉन्ग, वो टेक्निक ज़्यादा देर तक काम नहीं करेगा, बट लॉन्ग इनफ फॉर वॉट वी वॉन्ट टू डू, लेकिन हमें जो काम करना है उस काम के लिए तो ये टेक्निक काफ़ी, उतना देर काफ़ी ही होगा। लर्नड इट आउट ईस्ट, जब हम ईस्ट में थे तब भी ये टेक्निक सीखे थे। ऑफकोर्स दे आर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स, ईस्ट में काफ़ी ऐसे ट्रिक्स चलते रहते हैं। सी होल्ड्स हर हैंड आउट अक्रॉस द टेबल, तो टेबल पर उनका हाथ पकड़ी हुई है। कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ, और सिगरेट कहाँ पर है, मुंह में है। गिव मी योर हैंड्स, बोले कि अपना हाथ दो डियर। तो मिसिस पियर्सन डूबियसली बोलती है वेल आई डोंट नो इज इट राइट, लेकिन क्या ऐसा करना सही होगा? तो फिजराल्ड बोलती है इट्स योर ओनली चांस, बोले कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है। गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट, बोले कि तुम अपना हाथ दो और एक मिनट तक शांत रहो। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, कुछ भी और मत सोचो। टेकिंग हर हैंड्स, और उसका हाथ लेते हुए बोलती है नाउ लुक एट मी, ले मेरे आंखों में आंखें डाल के देखो। दे स्टेयर एट ईच अदर, एक दूसरे को देखते हैं मटरिंग, और कुछ बोलते हैं अर्स्टालम डम्बोना, ऐसा कुछ मंत्र है वो बोलती है। दिस लिटल सीन कुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली, शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली, और साइड में बोला जा रहा है हम लोगों को कि ये जो सीन था वो काफ़ी अच्छे से करना था। वी आर टू एज्यूम डैट पर्सनैलिटी चेंज बॉडी, हम लोगों को ये मान लेना है अब से हम लोगों को कि ये दोनों एक दूसरे का पर्सनैलिटी चेंज कर लेता है, मतलब आत्मा चेंज कर लेता है, ठीक है। मिसिस पियर्सन का आत्मा मिसिस फिजराल्ड में, और फिजराल्ड का आत्मा मिसिस पियर्सन में। आफ्टर द स्पेल हैज़ बीन स्पोकन, और जैसे ही वो मंत्र बोला जा चुका, बोथ वुमेन स्टिल ग्रेस्पिंग हैंड, और दोनों ही औरत अभी भी हाथ पकड़े हुए हैं, गो लैक्स, रिलैक्स हो जाती है, एज इफ द लाइफ वेयर आउट ऑफ देम, थोड़ा देर के लिए दोनों ही सुन पड़ जाता है, जैसा कि प्राण चला गया, ठीक है। देन बोथ कम टू लाइफ, फिर दोनों होश में आ जाती है, बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ अदर, लेकिन एक दूसरे का आत्मा बदलकर अब होश में आती है दोनों। ईच मस्ट ट्राई टू अडॉप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म्स ऑफ अदर, और दोनों को अब क्या करना था वो प्ले में कि अडॉप्ट करना था उसका तरीका, उसका बात करने का तरीका भी इसमें आना चाहिए, ठीक है। सो नाउ मिसिस पियर्सन इज बोल्ड, तो अब मिसिस पियर्सन थोड़ा बोल्ड हो गई है, खुल के बात करेगी वो, एंड डोमिनेटिंग, थोड़ा दबदबापन है उनके बातों में। एंड मिसिस फिजराल्ड इज नर्वस एंड फ्लटरिंग, और मिसिस फिजराल्ड अब क्या हो गई है, नर्वस हो गई है और हिचकिचाने वाली। मिसिस पियर्सन बोलती है, मिसिस पियर्सन बोल रही है मतलब उनके अंदर क्या, अब आत्मा किसका है, फिजराल्ड का, मतलब मिसिस पियर्सन बोल रही है मतलब कौन बोल रहा है असली में, फिजराल्ड बोल रही है। सी वॉट आई मीन डियर, बोले कि देखो हम क्या कर रहे हैं। सी नोटिसेस द सिगरेट, और देखती है कि अब तो सिगरेट किसके मुंह में था, पहले फिजराल के मुंह में था, लेकिन अब पियर्सन के मुंह में हो गया, आत्मा तो उसमें चला गया। हेयर यू डोंट वॉन्ट डेट, तो उसके मुंह से सिगरेट निकाल लेती है, बोलती है तुमको इसका जरूरत नहीं है, सिगरेट अपने मुंह में डाल लेती है। सी स्नैचेस इट एंड पुट्स इट इन हर माउथ पफिंग कंटेंडेंटली, और काफ़ी शांति से धुआं निकालती है। मिसिस फिजराल्ड नाउ विथ मिसिस पियर्सन पर्सनैलिटी लुक्स डाउन एट हरसेल्फ, तो मिसिस फिजराल्ड जो है जिसके अंदर मिसिस पियर्सन का आत्मा है वो अपने आप को देखती है। एंड सीज डैट हर बॉडी हैज चेंज, और पाती है कि उसका शरीर ही चेंज हो चुका है। एंड गिव्स अ स्क्रीम ऑफ फ्राइट, और काफ़ी डर के मारे चीख उठती है, चिल्ला उठती है, और बोलती है मिसिस फिजराल्ड बोलती है ओ इट्स हैपेंड, बोले कि अरे तो हो गया, तुमने जो कहा था वो तो हो गया। मिसिस पियर्सन शांति से बोलती है ऑफ कोर्स इट हैपेंड, बोलता है कि हाँ बिल्कुल हो चुका है ये, वेरी नीट, और काफ़ी अच्छे से हुआ है। डिड नो इट आई हैड इट इन मी, मतलब कि मुझे पता नहीं था कि ये टेक्निक मेरा भी अंदर है, और ये टेक्निक वो सीखी कहाँ से थी, ईस्ट से। मिसिस फिजराल्ड चौक के बोलती है बट वॉट एवर शैल आई डू, बोलता है कि लेकिन अब हम क्या करें। मिसिस फिजराल्ड जॉर्ज एंड द चिल्ड्रेन कांट सी मी लाइक दिस, बोलता है कि जॉर्ज और मेरे बच्चे आएंगे तो मुझे तो विश्वास ही नहीं करेंगे कि हम हैं। तो मिसिस पियर्सन बोलती है दे आर अन गोइंग टू, दैट्स द पॉइंट, और उनको विश्वास करना भी नहीं है।
वही तो तरीका है, दे विल हैव मी टू डील विथ, वो तुमको नहीं देखेंगे वो मुझे देखेंगे, ओनली दे वॉन्ट नो इट, लेकिन उनको पता नहीं चलेगा कि हम असली में है कौन। ठीक है, मिसिस फिट्जराल्ड स्टिल अलार्म्ड, वो और चौंक के बोलती है, बट वाट इफ वी कांट चेंज बैक, मतलब कि अगर हम लोग फिर वापस आत्मा ना बदल पाए तो क्या होगा, इट वुड बी टेरिबल, तब तो काफ़ी बुरा हो जाएगा। तो पियर्सन बोलती है, हे अरिस्टिडी, मतलब कि अरे शांत रहो मिसिस पियर्सन, इफ़ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वुडेंट बी सो बैड, बोलता है कि अगर तुमको मेरा जिंदगी जीना भी पड़ा ना, इससे तो अच्छा ही होगा, तुम शांति से जी पाओगी आगे चल के। यू वुड हैव मोर फन एज मी देन यू हैव हैड एज यू, लेकिन तुमको ज़्यादा मस्ती मिलेगा मेरे जिंदगी में जीने का। तो फिट्जराल्ड बोलती है, येस बट आई डोंट वॉन्ट टू बी एनीबडी एल्स, बोला कि हाँ सही तो है लेकिन हम किसी और का जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं। तो पियर्सन बोलती है, नाउ स्टॉप वरिंग, बोला कि आप टेंशन लेना छोड़ो, इट्स ईजियर चेंजिंग बैक, चेंज बैक करना काफ़ी आसान होगा, आई कैन डू इट एनी टाइम वी वॉन्ट, बोला कि तुमको जब मन हो बोलोगे मेरे को, हम चेंज कर लेंगे आत्मा, फिर से नॉर्मल बन जाएंगे। तो फिट्जराल्ड बोलती है, वेल डू इट नाउ, बोले कि ठीक है तो अभी कर दो आत्मा चेंज। ठीक है, तो पियर्सन बोलती है, नॉट लाइकली, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे बोलती है, आई हैव गॉट टू डील विथ योर फैमिली फर्स्ट, मतलब कि मुझे तुम्हारा फैमिली से पहले डील करने दो, डैट्स द आइडिया, और वही आइडिया है, इजंट इट, है कि नहीं, डिडंट नो हाउ टू बिगिन विद देम यू सेड, मतलब कि तुम बोल रही थी कि तुम्हें पता नहीं शुरुआत कैसे करें, वेल आई विल शो यू, हम तुमको दिखाते हैं शुरुआत कैसे होता है। तो फिट्जराल्ड बोलती है, बट वाट एम आई गोइंग टू डू, लेकिन बोलती है लेकिन अभी हम क्या करें। तो पियर्सन बोलती है, गो इन टू माई हाउस फॉर अ बिट, बोला कि तुम मेरे घर चली जाओ थोड़ी देर के लिए, देयर्स नो बडी देयर, वहाँ पे कोई नहीं है, देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग, और फिर कुछ देर बाद आ जाना और देखना कि हम लोग कैसे घर में संभाले हुए हैं, यू आउट टू इन्जॉय इट, तुमको काफ़ी मजा आएगा देखकर, बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स, बोला कि जल्दी से चली जाओ इससे पहले कि कोई आ जाए। तो फिट्जराल्ड नर्वसली राइजिंग, नर्वस होकर उठती है, येस आई सपोज डैट्स बेस्ट, बोला कि हाँ हाँ यही ठीक होगा, यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट, पूछते हैं कि तुमको पक्का यकीन है तो बाकी चल के सब ठीक हो जाएगा। तो मिसिस पियर्सन चकलिंग मुस्क हंस के बोलती है, इट विल बी वंडरफुल, बोला मज़ेदार होगा ये, नाउ ऑफ यू गो डियर, बोला कि जल्दी से जाओ अब। तो फिट्जराल्ड क्रॉसेस एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट लेफ्ट टू हर, और जल्दी से उसके लेफ्ट में जो दरवाज़ा था वहाँ से चली गई वो। मिसिस पियर्सन स्मोक सब है और वो अभी भी सिगरेट फूंक रही है, लाइटिंग अनदर सिगरेट, और उसके बाद और एक सिगरेट जला ली, एंड बिगिंस लेइंग आउट द कार्ड्स फॉर पेशेंस ऑन द टेबल, और कार्ड्स को बिछा दी टेबल पर थोड़ा पेशेंस के लिए, शांति के लिए। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, और कुछ देर बाद डोरिस पियर्सन कम्स ब्रस्टिंग इन लेफ्ट, लेफ्ट से आती है डोरिस पियर्सन, सी इज अ प्रीटी गर्ल इन हर अर्ली ट्वेंटीज, वो काफ़ी सुंदर लड़की है और ट्वेंटीज़ का शुरुआती दौर में, मतलब 21-22 साल की होगी वो, हु वुड बी प्लीजेंट इनफ इफ शी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड, लेकिन अगर वो बिगड़ी नहीं होती ना तो वो और भी अच्छा सुंदर होती वो, लेकिन वो बिगड़ी हुई है। डोरिस आके बोलती है, बिफोर सी हैज़ टेकन एनीथिंग इन, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए वो बोलती है, मम यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क, बोलता है कि मम्मी आपको तो आयरन करना पड़ेगा मेरा येलो सिल्क ड्रेस, आई मस्ट वेयर इट टू नाइट, आज रात को मुझे वही पहनना है। सी नाउ सीज वॉट इज हैपनिंग एंड इज एस्टाउंडेड, और वो देखती है कि टेबल पे क्या हो रहा है और देखकर चौंक जाती है, व्हाट आर यू डूइंग, बोला कि मम्मी आप क्या कर रही हो। सी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर, और वो और करीब आ जाती है मम्मी के पास, करीब आके बोल देखती है कि क्या कर रही है। मिसिस पियर्सन नाउ यूजेज हर ऑर्डिनरी वॉइस, और मिसिस पियर्सन अपना नॉर्मल वॉइस पर आती है, बट हर मैनर इज़ नॉट फ्लटरिंग एंड अपोलोजेटिक, लेकिन अब उसका हरकत में वो हड़बड़ी नहीं है, घबराहट पर नहीं है, अब कॉन्फिडेंस है उसके हरकत में, क्योंकि उसके अंदर किसका आत्मा है, फिट्जराल्ड का, बट लुक कूल एंड इनसिसिव, काफ़ी कॉन्फिडेंस दिख रही है वो। मिसिस पियर्सन बोलती है, नॉट इवन लुकिंग अप, अपना बेटी की तरफ देख के भी नहीं, नीचे देखे देखे बोल रही है, व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग, बोला कि तुमको क्या लगता है हम क्या कर रहे हैं, वाइट वॉशिंग द सेलिंग, घर रंग रहे क्या, चुनार कर रहे क्या। तो डोरिस स्टिल अस्टाउंडेड, अभी भी चौकी हुई बोलती है, बट यू आर स्मोकिंग, बोलते मम्मी आप तो सिगरेट पी रही हो। तो मिसिस पियर्सन बोलती है, डैट्स राइट डियर, बोला कि सही कहा तुमने, नो लॉ अगेंस्ट इट इज देयर, बोला कि सिगरेट पीने के लिए तो कोई कानून नहीं बनाए ना, पीने दो। तो डोरिस बोलती है, बट आई थॉट यू डिंट स्मोक, बोलते कि मुझे तो लगता था तुम सिगरेट नहीं पीती हो। तो मिसिस पियर्सन बोलती है, देन यू थॉट रॉन्ग, इसका मतलब तुमने गलत सोचा था। डोरिस बोलती है, आर वी हैविंग टी इन द किचन, बोलता है कि क्या हम लोग अब चाय किचन में पियेंगे क्या। तो मिसिस पियर्सन बोलती है, हैव इट वेयर यू लाइक डियर, बोला कि तुमको जहाँ पसंद है वहाँ पी लो।
तो डॉरिस अब काफ़ी गुस्से में बोलती है, डू यू मीन इट इजेंट रेडी, लाइक क्या आपका कहने का मतलब है चाय अभी तक तैयार नहीं हुई। तो पियर्सन बोलती है, योर सीजेंट, तुम्हारा चाय तैयार नहीं हुआ। आई हैव हैड ऑल आई वॉन्ट, मुझे जितना पीना था मैंने पी लिया। माइट गो आउट लेटर, और हो सकता है कि हम बाद में बाहर जाएंगे एंड गेट अ स्क्वायर मील एट द क्लेरेंडन, देखिए हम हो सकता है बाहर जाके खाना खा ले। तो डॉरिस बोलती है, हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है, वो बोलती है, हु माइट, कौन बाहर जाएगा, आप बाहर जाएंगी, ठीक है। तो मिसिस पियर्सन बोलती है, आई माइट, हम बाहर जाएंगे, हु डू यू थिंक, मतलब तुमको क्या लगा कौन बाहर जाएगा। तो डॉरिस बोलती है, स्टेयरिंग एट हर, उसको घूरते हुए बोलती है मम्मी को, बोलती है, मम व्हाट्स द मैटर विथ यू, आपके साथ क्या मसला है, क्या बात है। तो पियर्सन बोलती है, डोंट बी सिली, बोले बेवकूफ़ों की तरह बात मत बोलो। तो डॉरिस बोलती है इनडिग्नेंटली, अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलती है, इट्स नॉट मी डैट्स बींग सिली, बोलता है कि हम बेवकूफ़ नहीं है, एंड आई मस्ट से इट्स अ बिट मच व्हेन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे, बोलता है कि और मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आज कुछ ज़्यादा ही हो रहा है आपसे, हम दिन भर बाहर से काम करके आए हैं और आप कुछ ज़्यादा ही बोल रही हैं, एंड यू कांट इवन बॉदर टू गेट मी टी रेडी, गेट माई टी रेडी, और आपको इतना भी नहीं पड़ा है कि आप मेरे लिए एक कप चाय बना दे। डिड यू हियर वॉट आई सेड अबाउट माई येलो सिल्क, क्या आपने सुना मैंने येलो सिल्क के बारे में क्या कहा। तो बेटी का बात करने का तरीका काफ़ी बुरा है ना अपने मम्मी के साथ। तो मिसिस पियर्सन बोलती है, नो, बोले नहीं मैंने नहीं सुना तुम्हारे सिल्क ड्रेस के बारे में। डोंट यू लाइक इट नाउ, बोले क्या तुम्हें सिल्क ड्रेस पसंद नहीं है, येलो सिल्क ड्रेस, आई नेवर डिड, मुझे तो पहले से पसंद नहीं था। तो डॉरिस बोलती है और गुस्से में बोलती है, ऑफ कोर्स आई लाइक इट, बोले कि हाँ मुझे पसंद है वो येलो सिल्क ड्रेस, एंड आई एम गोइंग टू वेयर इट टू नाइट, और आज रात को ही हम वो ड्रेस पहनेंगे, सो आई वॉन्ट इट आयरन्ड, इसलिए मुझे वो ड्रेस आयरन करके दे दो। तो पियर्सन बोलती है, वॉन्ट इट आयरन्ड, तुमको आयरन्ड ड्रेस चाहिए, वॉट डू यू थिंक इट्स गोइंग टू डू आयरन इटसेल्फ, बोले कि तुम्हें क्या लगता है वो ड्रेस अपने आप आयरन हो जाएंगी। डॉरिस बोलती है, नो, बोले नहीं अपने आप तो नहीं होंगी, यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, आप वो आयरन करेंगी मेरे लिए, यू ऑलवेज डू, आप हमेशा करती भी है। तो पियर्सन बोलती है, वेल दिस टाइम आई डोंट, लेकिन ठीक है आज हम नहीं करेंगे तुम्हारा ड्रेस आयरन, एंड डोंट टॉक रबिश टू मी आफ्टर वर्किंग हार्ड अबाउट वर्किंग हार्ड, और काम करने के बारे में मुझसे मत बात करना, ठीक है। आई हैव अ गुड आइडिया हाउ मच यू डू, मुझे अच्छे से पता है तुम क्या काम करती हो डॉरिस पियर्सन, आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू, तुम जितने घंटे काम करती हो उसके दो गुना ज़्यादा घंटा हम काम करते हैं, एंड गेट नो वेजेज एंड नॉट थैंक्स फॉर इट, और उसके लिए ना कोई तनख्वाह मिलता है मुझे और ना कोई धन्यवाद बोलता है। वाई आर यू गोइंग टू वेयर योर येलो सिल्क, बोला कि तुम येलो सिल्क ड्रेस क्यों पहनोगी, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। तो डॉरिस बोलती है, आउट विथ चार्ली स्पेंस, चार्ली स्पेंस के साथ हम बाहर जा रहे हैं। तो मिसिस पियर्सन बोलती है, वाई, क्यों बाहर जा रही हो। तो डॉरिस बोलती है, काफ़ी गुस्से में बोलती है, वाई वाई, बोले क्या खाली क्या क्या लगा रखा है, व्हाट्स द मैटर विथ यू, आपके आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ। वाई शुडंट आई गो आउट विथ चार्ली स्पेंस इफ ही आस्क मी एंड आई वॉन्ट टू गो, लेकिन हम क्यों ना चाहें चार्ली स्पेंस के साथ बाहर, अगर वो मुझे बोला है तो, एंड हम जाना भी चाहते हैं। एनी ऑब्जेक्शंस, कोई शिकायत है क्या, गो ऑन, यू माइट एज वेल टेल मी, लेकिन बता दो अगर कोई शिकायत है तो, आज वो भी बोल दो। तो पियर्सन बोलती है, कांट यू फाइंड एनीबडी बेटर, मतलब कि क्या तुम्हें उससे अच्छा लड़का नहीं मिला क्या। इट वुडंट बी सीन डेड, आई वुडंट बी सीन डेड विद चार्ली स्पेंस, बोलता कि हम तो चार्ली स्पेंस के साथ मरना भी नहीं चाहेंगे, इतना बुरा लड़का है वो, बक टीथ एंड हाफ बीटेड, मतलब कि आधा पागल है वो और लंबे लंबे दांत है। डॉरिस बोलता है, ही इजेंट, डॉरिस बोलती है ही इजेंट, बोला कि नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है। तो पियर्सन बोलती है, व्हेन आई वाज योर एज, बोला कि जब हम तुम्हारे उम्र के थे, आई वुड हैव फाउंड समबडी बेटर देन चार्ली स्पेंस, बोला कि अगर हम तुम्हारे उम्र के होते ना तो चार्ली स्पेंस से अच्छा लड़का ढूंढने होते, और गिवन माई सेल्फ ऑफ एज अ बैड जॉब, या फिर हम कुछ भी नहीं करते। तो डॉरिस बोलती है, नियरली इन टीयर्स, अब रोने ही वाली है डॉरिस, बोले कि ओ शट अप, बोले कि अरे चुप हो जाओ अब और बर्दाश्त नहीं होता है। तो डॉरिस रन्स आउट लेफ्ट, और दौड़ के लेफ्ट की तरफ चली जाती है रोते रोते। मिसिस पियर्सन चकल्स, और वो हंसती है, एंड बिगिंस पुटिंग द कार्ड्स टुगेदर, और वो कार्ड एक साथ कर लेती है। आफ्टर अ मोमेंट सिरिल पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, और सिरिल पियर्सन अब आता है, उसका बेटा। ही इज़ द मैस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डॉरिस, वो मर्द है। सिरिल बोलता है, हेलो मम, टी रेडी, बोले कि मम्मी नमस्कार, चाय रेडी है क्या। तो पियर्सन बोलती है, नो, नहीं रेडी है।
तो सिरिल अब आके बोलता है वाई नॉट, क्यों रेडी नहीं है, गुस्से में बोलता है। तो मिसिस पियर्सन काफ़ी रिलैक्स होकर बोलती है आई कुड नॉट बॉदर, बोला कि मुझे टेंशन नहीं है, मुझे कोई पड़ी नहीं, कुछ नहीं पड़ा है चाय बनाने का। तो सिरिल बोलता है फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, बोला कि क्या आपका ऑफ कलर मतलब तबीयत तो ठीक है, ठीक है। तो मिसिस पियर्सन बोलती है नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, बोला तबीयत तो ठीक नहीं है लेकिन आज हम जितना अच्छा महसूस कर रहे हैं वैसा कभी महसूस नहीं किए। तो सिरिल और गुस्सा में बोलता है व्हाट्स द आइडिया देन, तो बोले तक बात क्या है। तो पियर्सन बोलते हैं जस्ट अ चेंज, बोले कि हम सिर्फ बदलाव ला रहे हैं। सिरिल बोलती है वेल स्नैप आउट ऑफ इट माँ एंड गेट क्रैकिंग, हैवन टू मच टाइम, बोलता है कि अरे माँ जल्दी करो मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। सिरिल इज अबाउट टू गो व्हेन मिसिस पियर्सन वॉइस चेक्स हिम, तो सिरिल जाने ही वाला होता है इस सीन से कि मिसिस पियर्सन कुछ बोल देती है आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बोला कि मेरे पास काफ़ी समय है। सिरिल बोलता है येस बट आई हैवंट, बोला कि हाँ हाँ आपके पास समय है लेकिन मेरे पास नहीं है, गॉट अ बिजी नाइट टू नाइट, आज का रात हम काफ़ी बिजी है, मूविंग लेफ्ट टू द डोर, और डोर के पास जा रहा होता है डिड यू पुट माई थिंग्स आउट, बोला कि क्या आपने मेरा सामान निकाल दिया है। तो मिसिस पियर्सन बोलती है कांट रिमेंबर बट आई डाउट इट, बोला कि मुझे याद नहीं है मैंने तुम्हारा सामान निकाला कि नहीं लेकिन मुझे शक है कि क्या है। सिरिल बोलता है अब काफ़ी गुस्से में बोलता है नाउ लुक, बोला कि अरे माँ देखो अब व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग यू प्रॉमिस्ड, बोला कि मैंने आप जब आप सुबह मैंने कहा आपसे कि निकाल देना तो आपने तो प्रॉमिस किया था कि निकाल दोगी, यू सेड यू वुड हैव टू लुक देम फर्स्ट इन केस देयर वॉज एनी मेंडिंग, आपने कहा था कि आप पहले कपड़े को देखेंगी कि कुछ मरम्मत करने का जरूरत है कि नहीं, आपने कहा था। तो पियर्सन बोलती है वेल येस वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग, बोला कि अब मैंने ठान लिया है कि मुझे मरम्मत करना ठीक नहीं लगता है। तो सिरिल बोलता है डेट्स अ नाइस वे टू टॉक, बोला कि ये बात करने का काफ़ी अच्छा तरीका है, व्हाट वुड हैपन इफ ऑल वी ऑल टॉक लाइक डैट, क्या होगा घर का जब हम लोग सब इसी तरीके से बात करने लगे। तो मिसिस पियर्सन बोलती है यू ऑल डू टॉक लाइक डैट, बोला कि तुम लोग ऐसे ही बात करते भी हो, इफ देयर समथिंग एट होम यू डोंट वॉन्ट टू डू यू डोंट डू इट, बोला कि अगर तुम्हें कोई घर में कोई काम पसंद ना हो तो तुम वो काम नहीं करते हो। If it's something at your work और तुम्हारे जब ऑफिस में कोई काम हो जो तुमको नहीं करना है you get the union to bar it, तो तुम यूनियन के से वो काम बंद करवा देते हो लेबर का यूनियन से। Now all that's happened is that I have joined the movement, और अभी कुछ भी नहीं हुआ है मैंने भी वो मूवमेंट जोड़ लिया है, मूवमेंट में जुड़ गई हूँ कि जो काम पसंद नहीं है वो काम मैं नहीं करूँगी। तो सिरिल बोलता है काफ़ी गुस्से में आई डोंट गेट दिस मम व्हाट्स गोइंग ऑन, बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा है माँ क्या हो रहा है ये। तो मिसिस पियर्सन बोलती है चेंजेस, काफ़ी खतरनाक तरीके से सिनिस्टर मतलब एविल तरीके से बोलती है वो बदलाव हो रहा है। डोरिस एंटर्स लेब, अब डोरिस भी आ जाती है सीन में, अब सीन में तीन जने मम्मी बेटा बेटी, सी इज इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग एंड इज नाउ वेयरिंग अ रैप, और वो तैयार हो रही है, सी लुक्स पेल एंड रेड आइड, उसका चेहरा पीला पड़ चुका है और आँख लाल हो चुका है। तो मिसिस पियर्सन बोलती है यू लुक टेरिबल, बोला कि तुम काफ़ी भद्दी दिख रही हो, आई वुडंट वेयर दैट फेस इवन फॉर चार्ली स्पेंस, बोला कि ऐसा चेहरा लेकर तो हम चार्ली स्पेंस के पास भी ना जाए। तो डोरिस बोलता है मूविंग अलोन मूविंग अबव द टेबल एंग्रीली, टेबल के पास आकर बोलता है काफ़ी गुस्से में ओ शट अप अबाउट चार्ली स्पेंस, बोला कि चार्ली स्पेंस के बारे में एक सब मत बोलना माँ, एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट, और अभी हम रेडी नहीं हुए हैं, रेडी हो जाएंगे तब बोलना है, ठीक है जस्ट ड्रेसिंग, अभी तो हम तैयार हो रहे हैं। एंड इफ आई डू लुक टेरिबल इट्स योर फॉल्ट यू मेड मी क्राई, और अगर हम भद्दे दिख भी रहे हैं तो ये आपकी गलती है, आपने मुझे रुलाया इसलिए मेरा आँख लाल हो गया। तो सिरिल बोलता है वाई व्हाट डिड सी डू, लेकिन क्या हुआ इसने क्या किया था तो इसको तुमने रुला दिया। तो डोरिस बोलती है नेवर यू माइंड, बोला कि छोड़ो छोड़ो तुम बीच में मत पड़ो बहन, बहन भाई को बोलती है। तो मिसिस पियर्सन बोलती है राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन, वो उठ रही है और किचन के तरफ जाने के लिए तैयार हो रही है। हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट, स्टाउट एक टाइप का बियर होता है, मतलब कि क्या कोई स्टाउट लेफ्ट है घर में, आई कांट रिमेंबर मुझे याद नहीं है। तो सिरिल बोलता है बोतल और टू, मतलब कि हो सकता है एक दो बोतल हो किचन में आई थिंक, बट यू डोंट वॉन्ट स्टाउट नाउ, मतलब कि लेकिन आपको स्टाउट तो अभी नहीं चाहिए ना। तो मिसिस पियर्सन बोलती है आई डू मुझे चाहिए। तो सिरिल बोलता है व्हाट फॉर किस चीज़ के लिए चाहिए, तो पियर्सन बोलती है
टू ड्रिंक यू, क्लॉट बोलता है कि बेवकूफ मुझे पीने के लिए चाहिए। तो मिसिस पियर्सन एग्जिट राइट, और मिसिस पियर्सन सीन से चली जाती है, सीन से गायब है, किचन में चली गई वो। इंस्टेंटली सिरिल एंड डोरिस आर इन अ हडल, और तभी सिरिल और डोरिस एक दूसरे में फुसफुसा कर बात करने शुरू कर देते हैं, क्लोज टुगेदर एट लेफ्ट सेंटर, और एक दूसरे के काफ़ी पास खड़े हैं, रैपिडली विस्परिंग, और बहुत तेज़ी में फुसफुसा रहे हैं। तो डोरिस बोलता है, हैज शी बीन लाइक डैट विथ यू टू, डोरिस बोलती है कि क्या वो तुम्हारे साथ भी ऐसा की, बहन भाई को बोलती है तुम्हारे साथ भी इतना बुरा व्यवहार की। तो सिरिल बोलता है येस, बोलते हाँ हाँ, नॉट ही रेडी, कुडंट केयरलेस, बोलती है चाय रेडी नहीं है, मुझे नहीं पड़ी है, ऐसा बात बोलती है वो। तो डोरिस बोलती है, वेल आई एम ग्लैड इट्स बोथ ऑफ अस, लगी चलो ठीक है, मेरे को लगा कि अच्छा हुआ कि दोनों को डांट पड़ा है। आई थॉट आई वुड आई हैड डन समथिंग रॉन्ग, मुझे तो लगा था कि मैंने ही कुछ गलती की और मुझे ही डांट पड़ रहा है, बहन बोलती है भाई को। तो सीरियल बोलता है, सो डिड आई, मतलब कि मैंने भी यही सोचा कि मैंने कुछ गलती किया है, बट इट्स हर ऑफ कोर्स, लेकिन गलती मम्मी का है अभी। तो डोरिस बोलती है, शी वॉज स्मोकिंग, मैंने तो आया तो देखा कि वो क्या कर रही थी, स्मोकिंग कर रही थी, एंड प्लेइंग कार्ड्स, और कार्ड्स खेल रही थी, व्हेन आई केम इन आई कुडंट बिलीव माई आईज, मेरे को तो आँखों पे विश्वास ही नहीं हुआ। सिरिल बोलता है, आई हैड आस्क्ड हर इफ शी वॉज फीलिंग ऑफ कलर, मैंने उनसे पूछा कि क्या वो बीमार है क्या, एंड सी सेड सी वॉजंट, और वो बोलती है कि वो बीमार नहीं है। डोरिस बोलती है वेल सी हैज सडनली ऑल डिफरेंट, बोलता है कि वो अचानक से चेंज हो गई है, एंड दैट्स वॉट मेड मी क्राई, और यही चीज़ मुझे रुला दिया। इट वॉजेंट वॉट सी सेड अबाउट द वे सी, बट द वे सी सेड इट, बोलता है कि मुझे उस बात से दुख नहीं पहुँचा कि उसने क्या कहा, बट जिस तरीके से कहा उससे मुझे काफ़ी दुख पहुँचा, एंड द वे सी लुक्ड, और वो कैसी दिख रही थी उससे भी मुझे काफ़ी दुख पहुँचा। तो सीरियल बोलता है, हैवंट नोटिस दैट सी लुक्स जस्ट द सेम टू मी, बोलता है कि मुझे तो सेम दिख रही है वो, दिखने में तो सेम है। तो डोरिस बोलती है, सी डजंट टू मी, लेकिन वो सेम मुझे नहीं दिख रही है। डू यू थिंक सी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग, बोला कि तुम्हें लगता है क्या उसके सिर में चोट लगा होगा तभी वो ऐसा बर्ताव कर रही है, यू नो, एंड गॉट व्हाट इज इट, यू नो, बोला कि हो सकता है उनको। तभी सिरिल बोलता है, डू यू मीन सी इज बार्मी, बोला कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब है वो पागल हो गई है। डोरिस बोलती है नो यू फैट हेड, अरे नहीं मोटे दिमाग के, ठीक है पागल नहीं हुई है वो, यू नो कन्फ्यूजन, ठीक है बीमारी का नाम होता है सिर में चोट लग जाने से, उसको वो हुआ होगा, सी माइट हैव। तो सिरिल बोलता है, साउंड्स फार फेचेड, बोलता है कि विश्वास नहीं हो रहा ऐसा होगा। डोरिस बोलती है, वेल सी इज फार फेस्ट इफ यू आस्क मी, जहाँ तक मेरा मानना है वो तो ऐसा ही लग रहा है। सी सडनली बिगिंस टू गिगल, और तभी वो हंसना शुरू कर देती है। सिरिल बोलता है, नाउ देन व्हाट इज इट, बोलता है कि तो क्या बात है। तो डोरिस बोलती है, इफ़ सी इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम, बोलता है कि अगर पिताजी घर आ जाए और उनका व्यवहार ऐसा ही रह जाए तब मज़ा आएगा, ठीक है। सी गिगल्स अगेन, और वो हंसने लगती है सीन सोचकर। तो सीरियल बोलता है, बिगनिंग टू गॉफ, गॉफ मतलब भी हंसना है काफ़ी ज़ोर से। आई एम स्टेइंग इन फॉर दैट टू फ्रंट ड्रेस सर्कल्स फॉर द फर्स्ट हाउस, अब ये टू फ्रंट ड्रेस सर्कल मतलब थिएटर में होता है कि पहला दो सीट मिले हैं, बोलता है कि हम पहला दो सीट पर बैठ कर देखेंगे वो ड्रामा जो घर में होने वाला है मम्मी और पापा के बीच में। तो मिसिस पियर्सन एंटर्स राइट, तभी उनकी मम्मी आ जाती है सीन में, कैरिंग अ बोटल ऑफ स्टाउट, और हाथ में स्टाउट का एक बोतल ली हुई है, एंड अ हाफ फिल्ड ग्लास, और एक ग्लास ली हुई है जो आधा भरा हुआ है। सिरिल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप देयर गॉफिंग एंड गीगल, और दोनों ही भाई बहन अपना हंसी रोकने का कोशिश करते हैं, बट दे आर नॉट क्विक इनफ, लेकिन उतना तेज़ नहीं है दोनों, उनका हंसी देख लेती है मम्मी। मिसिस पियर्सन रिगार्ड्स देम विद कंटेम्प्ट, और उनको गुस्से में बोलती है, यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बींग ग्रोन अप, तुम दोनों हमेशा बात करते हो कि तुम दोनों बड़े हो गए हो, वाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज, तो क्यों ना व्यवहार भी तुम लोग का बड़ा हो जाए, व्यवहार तो दिख नहीं रहा है बड़ेपन का। सी मूव्स टू द सेट्टी एंड सीट्स, और वो सोफे पर जाकर बैठ जाती है। सिरिल बोलता है, कांट वी लाफ नाउ, मतलब कि क्या अब हंस भी नहीं सकते हैं क्या। तो मिसिस पियर्सन बोलती है, येस इफ इट्स फनी, मतलब कि हाँ हाँ अगर हंसने का बात हो तो हंसो, गो ऑन टेल मी, मुझे भी बताओ हंसने का क्या बात है, मेक मी लाफ, मुझे भी हंसाओ, इफ़ आई कुड डू विथ इट।
लेकिन मुझे समझ में आया तो मैं भी हंसूंगी। तो डोरिस बोलती है, यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स मम, लेकिन मम्मी आपको तो हमारा जोक्स समझ में ही नहीं आता है। तो सीन में दिख रहा है, ये है मिसिस पियर्सन, हाथ में स्टाउट का ग्लास है, और ये सजी धजी लड़की ये डोरिस है, और ये लड़का सिरिल है। तो पेज नंबर 41 तक हो रखा है, पेज नंबर 42 पार्ट टू से शुरू होगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं।